अब एक बड़ी खबर, श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड से जुड़ी हुई। श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के आज नार्को टेस्ट के लिए दिल्ली पुलिस ने रोहिणी में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से संपर्क किया है। दिल्ली पुलिस ने ऑफिशियली लैब से संपर्क किया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक आज नार्को टेस्ट होने की संभावना बहुत कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि नार्को टेस्ट से पहले भी कई तरह के महत्वपूर्ण टेस्ट करवाने होते हैं जो अभी तक आफताब के हुए नहीं है, और इसी के चलते आज नार्को टेस्ट होने की संभावना कम ही मानी जा रही है। आफताब की हालांकि पुलिस रिमांड कल खत्म भी हो रही है, यानी कि मंगलवार का दिन, और पुलिस एक बार फिर आफताब की रिमांड बढ़ाने की कोर्ट में मांग कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने नार्को टेस्ट में पूछे जाने वाले सवाल भी तैयार कर लिए हैं, और दिल्ली पुलिस ने कल देर रात तक महरौली के जंगलों में भी तफ्तीश की। आफताब की 5 दिन की पुलिस कस्टडी मंगलवार को खत्म हो रही है, इसलिए पुलिस के पास अब केवल 2 दिन बचे हैं, और कोर्ट में पेश करने से पहले दिल्ली पुलिस सबूत जुटाने में लगी हुई है, और कोशिश भी दिल्ली पुलिस की यही है कि ज्यादा से ज्यादा सबूत जुटाए जा सकें। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस की जांच का दायरा बढ़ता और फैलता जा रहा है। इस हत्याकांड का सबसे बड़ा राजदार जो है वो चुप है। आफताब के गुनाहों का कच्चा चिट्ठा खोलने के लिए पुलिस की टीमें लगातार पड़ताल में जुटी हुई हैं। रविवार को भी दिल्ली पुलिस ने नगर निगम के कर्मचारियों के साथ एक तालाब को खाली करवाने की कोशिश की। दरअसल पुलिस को यह पुख्ता जानकारी मिली है कि आरोपी ने छतरपुरा एनक्लेव स्थित इसी तालाब में श्रद्धा का कटा हुआ सिर फेंका था, और आज दिल्ली पुलिस की टीम एक बार फिर से यहां जाएगी और इस तालाब को खाली कराने की एक बार फिर से कोशिश की जाएगी ताकि सिर की तलाश की जा सके। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नार्को से निकलेगा श्रद्धा के मर्डर का सच। आफताब खोलेगा मर्डर के सारे राज। मैदानगढ़ी के तालाब में सिर की तलाश। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस की जांच की एक कड़ी इस तालाब पर आकर रुक गई है। आज फिर से इस तालाब में तलाशी अभियान शुरू होगा। सूत्रों के मुताबिक सिर की तलाश के लिए गोताखोरों को उतारने की भी तैयारी है। सोमवार को इसी तालाब में खोजबीन की गई। ये तालाब करीब 15 फीट गहरा है। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर इसके पानी को निकालने की कोशिश की गई तो 20 दिन का वक्त लग सकता है। स्थानीय लोगों को भी तालाब खाली करवाने को लेकर एतराज है, इसलिए आज इसमें गोताखोर उतर सकते हैं। सुबह से लगभग 1 लाख लीटर पानी इसमें से खाली कर लिया होगा, और जिस हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं उस हिसाब से तो ये 1 महीने तक ये खाली नहीं हो पाएगा तालाब। और हमारी शासन प्रशासन से गांव की तरफ से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इसमें गोताखोर लगाए जाए, ताकि वो जो भी इसमें उन्होंने बता रहे हैं श्रद्धा मर्डर केस के वो निकाल लें, और पानी भी ऐसे सेफ रहे, क्योंकि जंगली जानवर, ये देखिए आप, पक्षी इस पानी के बिना मर जाएंगे सारे पक्षियाँ। एक तरफ सिर की तलाश हो रही है तो दूसरी तरफ नार्को टेस्ट की तैयारी चल रही है। इसी टेस्ट के जरिए आफताब अमीन पूनावाला के जहन में दबे वो राज बाहर आ सकते हैं जिन्हें वो अभी तक छुपा रहा है। इसलिए दिल्ली के रोहिणी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल में आफताब का नार्को टेस्ट हो सकता है। आफताब का पूरा सच और सबूतों का सुराग जुटाने के लिए आफताब के नार्को टेस्ट की इजाजत कोर्ट ने दी थी। आफताब ने भी इसके लिए इनकार नहीं किया। एक्सपर्ट के मुताबिक नार्को टेस्ट के लिए सोडियम पेंटोथल, स्कोपोलामाइन और सोडियम अमाइटल जैसी दवाएं दी जाती हैं। ये एक तरह का एनेस्थीसिया होता है जिसमें आरोपी न पूरी तरह होश में होता है और न ही बेहोश होता है। नार्को टेस्ट के दौरान मॉलिक्यूलर लेवल पर किसी शख्स के नर्वस सिस्टम में दखल देकर उसकी हिचक कम की जाती है। गहरी नींद जैसी हालत में अपराधी से पूरी घटना की सच्चाई जानने की कोशिश की जाती है। नार्को टेस्ट के दौरान डॉक्टरों की मौजूदगी में पूछताछ की जाती है। इस दौरान आरोपी द्वारा किए गए खुलासे की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। हमारे देश में स्टैम्प घोटाले के आरोपी अब्दुल करीम तेलगी और मुंबई पर हमला करने वाले आतंकी अजमल आमिर कसाब के नार्को टेस्ट से जांच को नई दिशा मिली थी। हर तरफ सबूतों की तलाश चल रही है। पुलिस टीमें लगातार एक्शन में है। रात के अंधेरे में भी महरौली के जंगलों में पुलिस छानबीन करती दिखी। अंधेरा होने के बावजूद बहुत देर तक पुलिस कर्मी चप्पे चप्पे के तलाशी लेते रहे। शनिवार को भी पुलिस को इस जंगल से इंसानी शरीर के 2 हिस्से मिले थे। रविवार को भी पुलिस और फॉरेंसिक टीमें तफ्तीश में लगी रहीं।
महरौली के जंगल का कोई भी कोना ना छूट जाए, ये कोशिश की जा रही है। पुलिस कोई एंगल भी छोड़ना नहीं चाहती। उसे पता है कि श्रद्धा के मर्डर के बाद आफताब कबूल तो जरूर कर चुका है, लेकिन वो बेहद शातिर है। इसका सबूत है ये वीडियो। फ्रिज में ठूस कर रखे श्रद्धा के जिस्म के ठंडे टुकड़ों को रात के वक्त आफताब इसी तरह रोजाना ठिकाने लगाने जाता था। उसकी बेफिक्री वाली चाल और इत्मीनान वाला अंदाज देखकर किसी का भी खून जम जाए। जब पता चले कि इस शख्स के कंधे पर टंगे थैले में इंसानी जिस्म के टुकड़े हैं, जिसे उसने अपने हाथों से काटा है। आधी रात को आफताब के सफर की मंजिल महरौली के जंगल होते थे। एक एक्सपर्ट कसाई और एक माहिर हत्यारे की तरह आफताब ने 18 मई की रात के एक एक सबूत इन 5 महीनों में पोछ पोछ कर साफ कर दिए। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यहाँ तक कि 23 मई को उसने पूरे घर की एक बार फिर तलाशी ली, श्रद्धा से जुड़ा एक एक सामान ढूंढा, सारा सामान 2 पॉलिथीन बैग में जमा किया। घर में श्रद्धा की 3 तस्वीरें थी, तीनों तस्वीरों के फ्रेम तोड़े और किचन में जाकर तीनों तस्वीरें जला डाली। लेकिन 2 पॉलिथीन बैग में भर कर रखा श्रद्धा का सामान आफताब ठिकाने नहीं लगा पाया। रविवार की सुबह पुलिस की टीम ने आफताब के फ्लैट से ये दोनों पॉलिथीन बरामद कर लिए। निशानदेही के लिए खुद आफताब भी पुलिस के साथ था। आफताब की दरिंदगी और श्रद्धा के खौफनाक अंत की कहानी का आखिरी चैप्टर भले ही दिल्ली में लिखा गया हो, लेकिन इसकी शुरुआत मुंबई में ही हो चुकी थी, जब श्रद्धा पिता का घर छोड़कर आफताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए चली गई थी। इस कहानी की परतें उधेड़ने के लिए मुंबई पुलिस ने उस परिवार का बयान भी दर्ज किया है, जिसके घर में ये लोग किराए पर रहते थे। लिविंग रिलेशनशिप में आफताब और श्रद्धा जिसके घर पर रही हैं, ये वो जयश्री पाटिल हैं। इनका भी बयान जो है दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया है और इनका ये कहना है कि उन्होंने खुद को पति पत्नी बताकर जो है वो अपना बयान दर्ज कराया था। छोड़कर गए, क्या बताया, पति पत्नी थे वो लोग? अभी क्यों गए मुझे नहीं, पति पत्नी बताया था उन्होंने आपको? हाँ, 10 महीना शायद रहे थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।